सो हेलो गाइस, तो आज आ गए हम अपने FL स्टूडियो में और आज बात करने वाले हैं वोकल के ऊपर, यानी कि वोकल को एक अच्छा इफेक्ट, एक अच्छा मास्टरिंग कैसे दें, यानी मिक्सिंग कैसे करें। तो ख़ास तौर पे आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक नॉर्मली मैंने एक गाना रिकॉर्ड किया है, खुद ही गाया है, बस नॉर्मल जो मेरे दिमाग में आ रहा था उसको मैंने गा दिया है। तो चलिए पहले सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि ये कैसा साउंड करता है, उसको कैसा बनाना है। तुम जो अगर कह दोगे तो तुमको खुदा मैं मानूंगा, तुम जो अगर कह दोगे तो तुमको खुदा मैं मानूंगा। तो आपको ये काफ़ी अच्छा लग रहा है सुनने में, क्योंकि मैंने इसमें किया कुछ नहीं है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा इसको एक ट्रैक दिया है, बस इसको आपको क्लिक करना है। तो मेरा हमेशा फाइव नंबर ट्रैक आता है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चार ऑलरेडी है मैंने सिलेक्ट कर रखा है, और ये मैंने FX1 जनरली कोई बस एक अच्छे मूड के लिए सुनने के लिए। तो आपने सुन लिया तो आपको ये काफ़ी बेटर सुनने में लग रहा होगा, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, बस इसमें इसको यहाँ पे आपको वोकल रिकॉर्ड करनी है, और आपको जैसे नॉइज़ इरेज करते हैं इस पर क्लिक करना है यहाँ पे, और ये हो गया, इसको सेलेक्ट ऑल करना है आपको, और यहाँ पे ये हो गया, बस एक्सेप्ट कीजिए और हो जाएगा आपका। और अगर आप वॉल्यूम को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए, वॉल्यूम बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए बात करने वाले हैं आज। तो ये रहा, मैंने पिचर का यूज किया है इसलिए आपको, और ये मेरा गाने का सी माइनर स्केल है, तो सी माइनर मैंने रखा है। तो गाइज आज बात करने वाले हैं कि वोकल को सुनने लायक कैसे बनाया जाए, खास इसी पे बात होगी हमारी। तो गाइस, मैं हूँ मिस्टर डीजे और आपको बताने वाला हूँ मिक्सिंग और मास्टरिंग के ऊपर। तो मैं पिछले 3 साल से सीख रहा हूँ FL स्टूडियो में, मैं कोई इसका पूरा जानकार नहीं हूँ, बस मैं मान लीजिए मैं किसी क्लास का मॉनिटर हूँ कि टीचर के बाद, जो मैं खुद से सीखता हूँ और आपको गाइड करता हूँ। तो ये रहा, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि हम लोग क्या करें, जैसे अगर मान के चलिए हमने एक वोकल रिकॉर्ड कर लिया और अब उसको मिक्सिंग मास्टरिंग करना है, वोकल को गाने जैसा बनाना है, तो आखिर क्या किया जाए और क्या क्या प्लगइन्स पहले यूज किया जाए, तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्योंकि हमेशा आप होता है कि आप अगर एक वोकल को रिकॉर्ड कर लेते हैं और वोकल को रिकॉर्ड करने के बाद आप ये अगर आप नए होते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आखिर कैसे मास्टरिंग मिक्सिंग किया जाए, तो आप फंस जाते हैं कि यार कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो आपको EQ करना है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप यूज करते हैं तो इसको यूज कीजिए, FL स्टूडियो में काफ़ी अच्छा प्लगइन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप टाइप में जाइए हाई पास, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर में स्टिप 6, बस इसको हाई पास करना है। आप सुनते हैं ये कैसा साउंड करता है। तुम जो अगर कह दो, इसमें गाइस ये यानी यहाँ से 6-7 तक जितने बेट फ्रीक्वेंसी है उसको हाई से लो करना है। सबसे पहले ये जो आपका साउंड के साथ जो फालतू का फ्रीक्वेंसी आता है वो आपका कम हो जाएगा हाई कट करने से या लो अप करने से। तो ये रहा, आपको सबसे पहले
इसको ऊपर करनी होती है। ऊपर करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं मैं घुमा रहा हूँ जैसे जैसे, तो इसको पूरा आप करना है। उसके बाद जहाँ बेड फ्रिक्वेंसी है, जैसे कि हो देखिए आप गए यहाँ हैं पे, तो आप तुमको इससे भी इधर उधर कर खुदा सकते मैं हैं। तो ये दो नंबर का ये देखिए बेड फ्रिक्वेंसी मानूंगा, है, बस इसको तुम यहाँ जो नीचे कर देंगे आपको अगल कह थोड़ा सा। दोगे और जब तो भी मास्टरिंग मिक्सिंग तुम करें हेडफोन लगा के करें, क्योंकि आपको उससे आपको काफ़ी अंदाज़ा मिल सकता है। अगर आपके पास एक प्रोफेशनल स्टूडियो नहीं है या स्टूडियो स्पीकर नहीं है, तो आप मिक्सिंग कीजिए तो बिल्कुल हेडफोन लगा के कीजिए, तो आपको अनुभव आ जाएगा के साथ यूज करने पर होता है। तो इसको सबसे पहले हाई, उतनी नहीं, इसको लो, पहले सुनते हैं कैसा साउंड कर रहा है, उसके बाद आगे बात करते हैं। कह दोगे तो तुमको खुदा मैं मानूंगा। तो गाइस सबसे पहले जो हम लोग को, यानी कि जैसे फ्रीक्वेंसी हम लोग देख रहे हैं, तो आपको पता नहीं चल रहा है कि इसमें करना क्या होता है फ्रीक्वेंसी में। तो देखिए सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे इक्यू किया था, जो पहले बताया मैंने इक्यू, तो इस इक्यू में था कि जो बेड फ्रीक्वेंसी उसको लो करना है। तो ये पहला स्टेप है, तो ये बिल्कुल सही है पहला स्टेप। बट दूसरे स्टेप में आपको उस फ्रीक्वेंसी को डाउन करना है जो आपको ज़्यादा सुनाई पड़ रहा हो। जैसे कि आप देख सकते हैं, तुम जो यहाँ देखिए ये फ्रीक्वेंसी अगल देख सकते हैं, तो इसको कह डाउन करना है। दोगे तो और जहाँ जहाँ आपको तुमको फ्रीक्वेंसी दिखे, और यहाँ खुदा देखिए लो मैं फ्रीक्वेंसी है, तो इसको अप करना है। तो मानूंगा, उतनी अपने करना है जितनी ज़रूरत पड़े तुम उतनी जो कर लेना है। अगल कह और देखिए दोगे ये जो तो मिडिल दिख तुमको रहा है लाइन, खुदा तो मैं इसके ऊपर का, यानी कि इधर जो मानूंगा। हमने लो कट किया है, हाई कट किया है, तो ये ज़्यादा तुम जो आएगा नहीं। और ये अगल देख सकते हैं आप, कह दोगे तो तो गाइस ये तुमको हो गया, खुदा। बस इसमें और कुछ नहीं करना है। तो बस इसमें होना है कि वोकल को आपको एक साफ, यानी कि आपको बिल्कुल साफ कर देनी है वोकल को। तो ये हो रहा है। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। तो तीसरा मैक्सिमस लीजिए, तो मैक्सिमस का काम है आपके जो वोकल है उसको मैक्सिमाइज करना, यानी कि अगर जो हाई वोकल है उसको एक स्मूथ वोकल में चेंज करना। तो मैक्सिमस है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको आप, चलिए यहाँ से ओपन कर, जितना दूर करना हो उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैंने मैक्सिमस ले लिया है, अब सुनते हैं। कह दोगे तो तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ज़्यादा ऊपर से जो जा रहा है, इस प्री को बस इतना करना है। तो जो यहाँ से ऊपर आपको नोक नोक दिख रही है, पिक दिख रही है, बस इसको आपको काटना है, यानी कि आपको एक बराबर रेंज में लाना है जो आपके लो वॉइस है उसको मैनेज करने के लिए। तो देख सकते हैं तुमको पीछे यहाँ से दिख खुदा रहा है, मैं देखिए जो बिल्कुल अगल एक, कह दोगे तो तुम बिल्कुल एक बराबर का है, हो गया है। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मास्टर है, यहाँ लो है, तो इसको देख सकते हैं। जितना लो कीजिएगा उतना आपका वोकल डाउन होगा, जितना आप कीजिएगा उतना वोकल आपका। तो तुमको खुदा मैं, तुम जो
तो मैंने यहाँ पे फ्रूटी वेब सेपर का यूज़ किया है, का यूज़ करना था। तो यहाँ देख सकते हैं नोट्स को, तो चलिए पहले आगे स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस नोट्स को गेन को ऊपर करने से वोकल काफ़ी लाउड हो गया है। तो ये रहा, उसके बाद हमने बस इतना सा, और अटैक को थोड़ा ऊपर करनी है, और अटैक को यहाँ थोड़ा सा रेशियो और थ्रेशोल्ड को थोड़ा कम, बस इतना सा। चलिए सुनते हैं, ये हो गया है पूरा, अब पूरे सुनेंगे एक साथ। तो हम यहाँ पे साउंड ग्रेनाइजर का यूज कर रहे हैं, तो ये मैंने हाई कर दिया थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा लो करना इसमें आपके वोकल को स्मूथ करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे हो गया, उसके बाद हम लोग डिले का यूज करने वाले हैं। तो डिले और फ्लेंगर भी यूज कर सकते हैं आपके एक रोबोटिक फील करने के लिए। तो हमें रोबोटिक नहीं फील करना है, बस अपने ही आवाज़ को एक अच्छा सिंगर के जैसा यूज करना है। तो हमें अब डिले का यूज करना है, और वोकल को एक देखिए यहाँ डिले बैंक है सेकेंड यहाँ पे, तो इसको टाइम को थोड़ा अप कर देता है, वॉल्यूम बस कट को थोड़ा इतना करते हैं। चलिए सुनते हैं क्या साउंड कर रहा है ये। तो यहाँ पे डिले का यूज किया मैंने, और डिले काफ़ी साउंड करता है। तो यहाँ पे आप कर रहा हूँ, तो ये रहा फ्रूटी रिवर्ब, और यहाँ रहा तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे डफ को, बस हाई कट को थोड़ा कम, लो कट यानी कि लो कट अगर आप करते हैं तो अगर आपके आने वाले वोकल में थोड़ा कम इफेक्ट रहेगा, और जाते जाते इफेक्ट ज़्यादा रह जाएगा। डिले का यूज कम, यहाँ ड्राई थोड़ा ज़्यादा। चलिए अब सुनते हैं ये कैसा साउंड कर रहा है, उसके बाद बात करेंगे कि कैसा।